उसको नौकरी नहीं देता ये कंपनी, तो फिर क्या होता है हिंदुस्तान का, सोचिए इस बात को लेकर के। और जिसे हमारे कुछ, मैं माफ़ी चाहूँगा पटेल साहब से, एमपी साहब से, कुछ मंत्री लोग हमारे को चोर बोलते हैं कि बिजनेसमैन चोर होता है। आज गवर्नमेंट के जीडीपी में और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड्स आता है वो एमएसएमई कंपनियां देती है। आपके हिंदुस्तान के अंदर में कितने कॉरपोरेट कंपनी है, कितने एम्प्लॉयमेंट दे रही है, कितने वर्कर्स हैं उसके अंदर में? और एमएसएमई का वर्कर्स मैं बता चुका हूँ, अगर मैं एक एमएसएमई का एक मैं उद्योगपति हूँ तो एटलीस्ट मैं अपने घर के 10 मेंबर को भी तो नौकरी दे रखा। मैं तो सरकारी नौकरी के लिए लाइन में नहीं लगा हुआ हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करूँगा, एक्सपीरियंस गेन करूँगा, अपना बीस्ट करूँगा। जब मैं बच्चा था, बड़ा होने के बाद नहीं, आजकल के बच्चे का तो कोई विजन ही नहीं होता है कि करना क्या है। 12वीं क्लास पास करने के बाद पेरेंट्स इसको एडवाइस करते हैं। हम लोग उस गांव से पैदा होकर आए हैं जहां आज तक भी उस गांव से, ऐसे तो हमारे 3 गांव में घर है, आज तक भी बस या गाड़ियां नहीं चल रही है। मेन रोड से हमारी 1 किलोमीटर आगे मेरा घर गाँव दिखता है, मेन रोड से हम उस गाँव से निकल के आए हैं। और तभी हमने प्लान कर लिया था कि हमें आगे करना क्या है। हमने हमारे लिए दिल्ली, तो जब मैं पटना आया था तो लगा कि इससे सुंदर क्या हो सकता है, और जब मैं 82 में दिल्ली आया था तो मुझे लगा स्वर्ग यही है, आज लगता है नर्क यही है। आज लगता है नर्क है तो दिल्ली में है, जिस कश्मीरी कहते ना स्वर्ग है तो यही है, तो आज मैं कहूँगा नर्क है तो दिल्ली है। चलिए यानी भाई, हम इस नर्क स्वर्ग पर नहीं जाते, मैं काम की बातें करता हूँ। तो एमएसएमई कंपनियां की तो सब जीडीपी में टैक्स देने में हर एक प्रकार, इतना ही नहीं एमएसएमई कंपनियों को कितना कुछ झेलना पड़ता है, टैक्स ईमानदारी से देता है, जीएसटी कुछ। देखिए चोर तो सब जगह होते हैं, एक कहावत है ना, एक टोकरी में एक टमाटर सड़ गया तो पूरी टोकरी को गंदा कर देता है, तालाब की एक गंदी मछली पूरे तालाब गंदा कर देता है। तो सभी तो चोर नहीं है, एक दो लोग हैं, कैसे जीएसटी चोरी कर लेता है ये हमारे दिमाग से ऊपर की बात है। मैं नहीं कह सकता कैसे चोरी करता, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के बाद अपना काम शुरू किया, ट्रेडिंग शुरू किया, आज मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियन लोगों को क्या बेनिफिट देता, मैं पहुँचा बताता हूँ एक मिनट के अंदर में। जब मैं इम्पोर्ट करता था, अमेरिकन प्रोडक्ट था, 150 रुपया का बेचता था, आज उससे अच्छा प्रोडक्ट इंडिया मैं बनाता हूँ और मैं 50 रुपये से लेकर 75 रुपये बेचता हूँ। ये तो पब्लिक के बेनिफिट, सरकार के बेनिफिट, देखिए सरकार के बेनिफिट क्या मिला। अगर हम आज के दिन में, हमारे मित्र हैं इनके यहाँ 500 लोग काम करते हैं, मेरे पास 50 लोग काम करते हैं, मैं अकेला ही 10 आदमी के बराबर काम करता हूँ। मैं चाइना जाता हूँ, चाइना हमारे चाइना के जो लोग हैं उसकी एफिशिएंसी इंडियन की एफिशिएंसी से आधा है, लेकिन वो मन से काम करते हैं। हमारे लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है फैक्ट्री में, हमारे यहाँ बिल्कुल मोबाइल ऑफ करके ऑफिस रखा जाता है। उनकी एफिशिएंसी है डबल एफिशिएंसी, हम इंडियंस की डबल एफिशिएंसी है काम करने की। अब मैं जो बात कर रहा था डाइवर्ट हो रहा हूँ। आप देखिए, हमने बेनिफिट गवर्नमेंट को इतनी एम्प्लॉयमेंट तो दी, इतना ही नहीं दी डॉलर। मान लीजिए कि मैंने पहले $1,00,000 खरीदता था इम्पोर्ट करने के लिए, आज हम कंपोनेंट खरीदने के लिए उसके $25,000 का कंपोनेंट खरीदते हैं, तभी तो मैं आधे दाम में दे रहा हूँ। 25,000 का कंपोनेंट, बनाने का खर्चा, बिजली का खर्चा सब मिला करके फिर मैं डबल प्राइस में बेच रहा हूँ। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी हम, मैंने कहूँगा 2% कमाता हूँ, 20% 30% मार्जिन हमारा निकलता है प्रोडक्शन में, हमारे प्रोडक्ट में सब मैंने निकलता है। फिर भी पब्लिक को तो हमने आधे रेट में दे दिए, लेकिन आम पब्लिक को नहीं मिलता इतना सस्ता माल। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेंडरों में कर दिया कि नो मिडिल मैन, बहुत अच्छा, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। चोर का मतलब चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से ना जाए, तो हिंदुस्तान में ऐसा ही है। वो करेंगे डायरेक्ट आपको परचेज करनी है, ओनली ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कैन कोट द टेंडर, नो मिडिल मैन, उसका टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन लोग कर लेते हैं।
लोग कर लेते हैं। और सरकार एक और चीज बड़ी अच्छी कर रही है ये सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यहाँ लूट घसूट नहीं है। लेकिन कुछ आई एम सॉरी को अफसर बैठे हैं गवर्नमेंट का, तो माफी चाहता हूँ, अगर ये हमारे को साथ दे और हमारे कुछ बिजनेसमैन भी ईमानदारी से थोड़ा सा और टैक्स दे दे, अरे टैक्स दे नहीं रहा तो आपके पास 150 लाख करोड़, 160 लाख करोड़ GST कहाँ से आया? आज जो पहले हजारों में बात करते हैं करोड़ों में बात करते हैं, आपके फंड से इतना कहाँ से आया? आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, NH देखो कितना बना लिया आपने, इंडिया को तो छोटा कर दिया आपने NH बना करके, जहाँ 24 घंटा 36 घंटा लगता था वहाँ 12 घंटा में पहुँचा दिया। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। और एक चीज़ हमारे लिए क्या किया उन्होंने, जो वो तो पता नहीं होगा लेकिन हमें नहीं, हम बेनिफिट ले रहे हैं। उन्होंने कहा शर्मा जी ने कि 72 बेनिफिट है, बिल्कुल है, मैं भी जानता हूँ। मैं शर्मा जी बताना चाहूँगा कि मैं लघु उद्योग भारती का भी मैं संयोजक हूँ, अपने यूनिट का मैं उनका मेंबर हूँ, संयोजक हूँ। उन्होंने मैडम ने कहा कि हम बीजेपी नेता हैं, हम बीजेपी में ऐसे ही छोटा मोटा मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हमें एक संयोजक बना दिया है, हम कोई नेता होता नहीं है, हम तो एक सोशल वर्कर हैं, मैं अपने समाज का मुखिया हूँ, प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली का साहू समाज का, और उद्योगपति तो मैं हूँ ही, मेरा काम उद्योगपति का है। तो 72 बेनिफिट है लेकिन नहीं मिलता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्या बेनिफिट दिया, आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, जो मशीन आपके कंपोनेंट बनाते हैं उसमें उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दी। ये बहुत अच्छा काम किया, सोचिए कस्टम ड्यूटी फ्री, आपको बड़ी मशीन बैठा करके करोड़ रुपए लगा करके जो कंपोनेंट बनाओ, पता चलाओ कंपोनेंट आपका आपके लायक सही नहीं है, वो आपका कंपोनेंट सुटेबल नहीं है, तो क्यों इतना पैसा खर्च करे, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इम्पोर्ट करो, जहाँ से लगता है वहाँ से इम्पोर्ट करो, कंपोनेंट इम्पोर्ट करो, थोड़ा सा महंगा होगा और आप उसको ओनली असेंबल करो। अभी मिनिस्ट्री में भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मोदी जी ने यही कहा, हम वो कुछ यही कर बना थोड़ी रहे हो, वो बाहर से कंपोनेंट लाकर असेंबल ही तो कर रहे हैं और कितने पैसे बचा रहे हैं। यही बात उन्होंने MSME कंपनियों को भी कहा मोदी साहब ने, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, वो लाइसेंस लेने के लिए हमारे जो डिपार्टमेंट है कंसर्न डिपार्टमेंट कस्टमर डिपार्टमेंट वो नहीं, इतना इजी से नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल है और खर्च करने पड़ते हैं पैसे। करप्शन नीचे लेवल पे बहुत बढ़ गया है, मैं बताना चाहूँगा, है ना, ऊपर के लेवल पे मोदी साहब ने स्टंट तो कर दिया मिनिस्टर को खाने के लिए, लेकिन नीचे लेवल पे करप्शन कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया है। ये मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं थ्योरेटिकल नहीं हूँ, मैं पेपर में पढ़ा हुआ, पेपर पढ़ता भी नहीं, न्यूज देखता भी नहीं, मैं TV का न्यूज में नहीं देखता, कोरोना काल से छोड़ दिया। तो आपने देखा, मैंने बताया कि 70% पॉपुलेशन लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। अब हमें कोई चोर कह दिया, हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दाता किसी ने कहा आज तक कि MSME कंपनी वाले रोजगार दाता है? बोला, क्या कंप्लीमेंट मिला? व्यापारी चोर होते हैं, आपके किसान अन्नदाता हो गए, जो किसान नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे 5-10 एकड़ जमीन थे बिहार में, उसी से हम 15 आदमी परिवार चलता था, उसी से हम पढ़ते लिखते थे, कपड़ा गवाई सब कुछ। धीरे धीरे हमारे घर में भी एक मास्टर मेरे बड़े भाई सब हो गए, तो बड़ा स्वास्थ्य थोड़ी सी मतलब हेल्प मिला, फिर हम सब भाई पढ़ने लग गया, बाहर जाने लग गया। हमने सोचा भी नहीं था कि मैं दिल्ली में पढ़ने आऊँगा, किस्मत हमें यहाँ ले आया, वरना हम जैसे लोग गाँव में पैदा हुआ एक मामूली से परिवार में, खेती करके क्या कर लोगे? ये लोग जो किसान आंदोलन किया था, क्या किसान था? गवर्नमेंट जो इतना पैसा दे रहा है गवर्नमेंट किसानों के लिए, किसान गवर्नमेंट ने बहुतों को बैन कर दिया, बंद कर दिया, जो किसान ही नहीं है, जो एक्चुअल किसान है, आज खेती नहीं हो रही है, हमारी जमीन है 15-20 एकड़ जमीन पड़ी है ऐसे ही कुछ नहीं, जहां से हम लोग गुजारा करते थे आज कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मजदूर नहीं है। वो मजदूर आ गए जब पंजाब, अब पंजाब के मजदूर चले गए कनाडा। तो ये तो हकीकत है हिंदुस्तान की। हमें कोई कहता है कि आप रोजगारदाता है, कर्मदाता है, आप लोग कर्म दे रहे हैं, सब पूरा परिवार चलता है, पढ़ता है, लिखता है, अच्छे से रहता है, भर पेट भोजन करता है, अच्छा भोजन करता है, दूध भी पीता है, आम भी फल भी खाता है, जो आप खाते हैं वो भी खाता है, जो बड़े बड़े लोग परिवार वाले खाते हैं, ये मजदूर भी खाते हैं, ऐसे लोग भी खाते हैं। ये किसके वजह से हुआ?
एमएसएमई की कंपनियों ने ऐसे लोगों को रोजगार दिया जिसको कोई नहीं देता। आप किसान की बात करें, वो किसान है तो अंबानी भी किसान है, अदानी भी किसान है, उनके पास बहुत जमीन है, तो क्या कहते जी उनका तो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, उनके पास जमीन खरीदा है ना कुछ काम के लिए, चाहे स्टॉक रखने के लिए स्टोर आने के लिए जमीन तो है ना इसके पास, तो भी कहेगा भाई मैं भी तो किसान हूँ कि नहीं कह सकता बताइए मेरे को। जिसके पास लैंड है वो दे आर ऑल्सो फार्मर। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, डॉक्टर भी भगवान भी बन जाते हैं कभी कभी, टीचर भी पढ़ाते हैं वो भी तो ज्ञानदाता है, कि आपको ज्ञानदाता बोला जाता है टीचर को। जो बहुत आदर्श विद्यार्थी यहाँ जाते हैं तो गुरु जी को प्रणाम कर लेते हैं, बहुत होते हैं तो बहुत ज्यादा क्या गुरु जी को प्रणाम करते हैं, वो कहाँ बन गया ज्ञानदाता? और बेनिफिट क्या दे रहे हैं, क्या टीचर को बेनिफिट दे रहे हैं? हमारे सरकार क्या कर रहे हैं बेनिफिट के लिए? आप जो हम लोग जब जाते थे तो स्कूल में कम से कम छत था, खपरा था, कुछ था, कभी कुछ रहा बिना पेड़ के नीचे वो पढ़ते रहे। अब अच्छा मकान बना दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 गांव दान बोला गोद ले लो जी, कितने एमपी ने गोद ले लिया अपने क्षेत्र में, क्या किया? हमारी जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल ही, उसको मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, उसको मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। आप देखिए ना, हिस्ट्री उठा के देखिए आप, मैं माफी चाहता हूँ, पटेल साहब तो बहुत सीनियर आदमी है लेकिन कोई यंग एमपी नहीं है। आप उनको देखिए, जो आज एमपी है, अगर मुझे अगर सेलेक्टर बनाएंगे तो मैं मुश्किल से, मुझे लगता है कि मैं 540 एमपी है अगर से पार्टी मिला के कैंडिडेट दिया जाए, अगर खड़े होते हैं कॉन्टेस्ट तो 2500 होंगे। अगर मुझे सेलेक्टर बनाओगे तो मैं तो 5 को भी सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। हमारे करेक्टरिस्टिक्स, हम जो करेक्टरिस्टिक्स पैदा करेंगे कि भाई आपके आप में क्या गुण होना चाहिए, एमपी बनने का नीट में क्या होना चाहिए, मैं तो 5 भी लगता है सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं 5 को भी सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसा गुण ही नहीं है। बस हम एमपी बन गए जी पार्टी के नाम पे, मोदी के नाम पे। तो और उनको कुछ नॉलेज नहीं है। अब बिहार में देखिए, हमारा डिप्टी सीएम बनते हैं 9th पास, बताइए हमारा सिस्टम देखिए, इतना ही नहीं। चलिए बिहार छोड़िए, दिल्ली की बात करते हैं। आप होम सेक्रेटरी, आप हेल्थ सेक्रेटरी हैं, आईएएस हैं, आपकी क्या क्या एक्सपीरियंस है? हिस्ट्री से पढ़ के आए हैं, ज्योग्राफी से पढ़ के आए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर तो नहीं है ना, तो आपको क्या पता मेडिकल में क्या होगा? आज मेडिकल के सेक्रेटरी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, कल आपको टूरिस्ट का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। वो एम मिनिस्टर आए तो नहीं, ये हमारे लॉबी का बंदा है, उसको लेके आ जाओ, तो कहाँ से प्रोग्रेस होगा? कहाँ से आप कैसे, जब राजा ही आपको, जब राजा और मंत्री ही आपको सूटेबल नहीं है तो आगे काम क्या सूटेबल होगा? काम कौन चलाता है? फिर नीचे वाला बाबू चलाता है, जो काम चलाता है, जो करता है, उसी को ना बैठाना चाहिए कुर्सी पे, उसी को ना पद देना चाहिए। हमारे समझ से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, किसी को तकलीफ हो रहा तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। जो आदमी एक वर्ल्ड वार मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लेता है ना, तो उस आदमी के अंदर में ईमानदारी आ जाती है, क्योंकि वहाँ हेरा फेरी नहीं चलता है, वो अन्ना सिखाता है हेरा फेरी कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने कभी ऐसा काम ही नहीं किया, 16 साल नौकरी किया और 18 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, वो भी मल्टीनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, तो हमें इस बात का अनुभव है। मैं इतना सा मैंने कहा चलो बता देता हूँ, आप लोग मौका मिला बात करने के लिए, इसलिए थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया लगता है, थैंक यू वेरी मच।